बोकारो में दो चोरों को पकड़कर लोगों ने उनकी जमकर धुनाई कर डाली। घटना सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के सर्कल मैदान के पास की है, जहां दोनों चोर एक दिव्यांग से पैसे छीनकर भाग रहे थे। तभी लोगों ने भाग रहे चोरों को पकड़ लिया और पिटाई कर डाली। दोनों को बचाने आई एक महिला को भी लोगों ने पीट कर घायल कर दिया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को पकड़कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। पिटाई किया जा रहा था ये तो मालूम नहीं, लेकिन मॉब द्वारा इसको घेर के रखा गया था। लगा कि कुछ लोग मारे पीटे भी होंगे। इन लोगों पर इल्जाम लगाया गया है कि कोई मोबाइल चोरी किया है और एक जगह से कोई किसी की पॉकेट से पैसा निकाला है। दोनों का भी कंप्लेनेंट यहाँ उपस्थित नहीं है। कंप्लेनेंट से मिलने के बाद, उससे कुछ एप्लीकेशन मिलने के बाद इन लोगों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। एक दिव्यांग है, दिव्यांग जो है मांग करके पैसा रखे हुए थे और उस पर पैसा छीन करके निकाल के चले जाना। उसकी बहन, छोटी बहन है, वो पॉकेटमारी की बता रहा था लोग कि उसकी छोटी बहन पॉकेटमारी करके इसको पैसा दे। इसकी वाइफ भी जली हुई है आधार पर। इसको प्रशासन द्वारा ले जाकर भर्ती भी कराया गया था, लेकिन ये लोग की आदत में सुधार नहीं है। ये यही काम है लोगों का, चोरी चमारी करना। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले में कार्रवाई करने में लगी हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बोकारो से विजय कुमार की रिपोर्ट।